भारतीय संस्कृति है क्या क्या हमें मानते हैं कि भगवान सब रूपों में है जब भगवान सब रूपों में है तो ऊंचे छोटा बड़ा संभव ही नहीं सब समान होंगे ठीक है सुन लिया कह दिया लेख लिखा इनाम पाया लेकिन उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी बुद्धि को स्वीकार नहीं होगा अंदर में जीवात्मा अहंकार तत्व उसको स्वीकार करना पड़ेगा अपना जो मन है मन बुद्धि अहंकार तत्व इसको स्वीकार करना पड़ेगा जब तीनों स्वीकार कर लेंगे तब मान्यता प्राप्त हो जाएगी अभी हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम अभी हम कहते हैं भगवान सब रूपों में है एको हम बहुत श्याम लेकिन कैसे उसको हम स्वीकार करें आज इसको हम लोग सुनेंगे आज के कार्यक्रम में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति है क्या क्या हमें मानते हैं कि भगवान सब रूपों में है जब भगवान सब रूपों में है तो ऊंचे नीचे छोटा बड़ा संभव ही नहीं सब समान होंगे ठीक है सुन लिया कह दिया लेख लिखा इनाम पाया लेकिन उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी बुद्धि को स्वीकार नहीं होगा अंदर में जीवात्मा अहंकार तत्व उसको स्वीकार करना पड़ेगा अपना जो मन है मन बुद्धि अहंकार तत्व इसको स्वीकार करना पड़ेगा जब तीनों स्वीकार कर लेंगे तब मान्यता प्राप्त हो जाएगी अभी हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम अभी हम कहते हैं भगवान सब रूपों में है एको हम बहुश्याम लेकिन कैसे उसको हम स्वीकार करें आज इसको हम लोग सुनेंगे पहले हम हिंदी में बता देते हैं फिर इसको अंग्रेजी में बताएंगे चलिए हम सब बराबर हैं बराबर होते ही सबका काम अलग अलग है आँख बहुत ही महत्वपूर्ण है बिना आँख के चलेंगे कैसे देखेंगे कैसे तो कान का महत्व तो कम नहीं है नाक का जीवा का महत्व तो कम नहीं है पैर हाथ का महत्व तो कम नहीं है सिर से पैर की उंगली तक जितनी भी रचनाएं हैं सभी का महत्व तो बहुत है उसका कितना इम्पोर्टेंस है आप कहते रहिए कह नहीं पाएंगे असीम है सीमा रहित है सब चीज़ सीमा रहित है इसको मान करके अभ्यास करिए आइए हम अपनी बुद्धि को समझाए कि दुनिया में समता है समता के लिए आइए हम पहले आकार लेते हैं कि सभी का आकार बराबर है कोई छोटा बड़ा नहीं है लेकिन आंखों से छोटा बड़ा दिखता है आइए बुद्धि का प्रयोग करें अभी हम खड़े हमारा आकार है पैर की अंगुली के नाखून से सिर तक और सबका देंगे सही है हम सबका आकार है खड़े होइए तो कोई लंबा कोई कम लंबा दिखाई पड़ेगा सबकी ऊंचाई अलग अलग तो आकार समान है ही नहीं तो जो हम कहते हैं सबका आकार समान है ये समझ में नहीं आता आइए हम समझाते हैं सिर से पैर की उंगली तक हमने पैरों को जोड़ा अपनी लंबाई को मापने में क्योंकि पैर हमारे साथ हैं <laughs> देखिए हर जगह पर पैर जुड़े हैं हम जब चलते हैं पैर हमारे साथ है ठीक है आप ये बताइए अगर पृथ्वी नहीं होगा तो तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो रचना है इस रूप में नहीं होगी जब पृथ्वी नहीं होगी तो सिर से पैर की उंगली तक ये इस रूप में नहीं होगा चाहे प्रकाश के रूप में होगा अग्नि के रूप में हवा के रूप में आसमान के रूप में ऐसा तो नहीं होगा तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सिर से पैर की उंगली तक इस आकार का ये पृथ्वी इनसेपरेबल अभिन्न अंग है इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो पैर की उंगली से सिर तक तब इसका आकार क्या हुआ ये मान ली पृथ्वी है इसका ये डायमीटर है और हम यहाँ पर हैं खड़े तो हमारा तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गई अब इसमें इस, इस लंबाई को जोड़ दिया इसकी लंबाई इतना ज्यादा है कि इसमें दो फीट कम हो दो फीट ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अच्छा चलिए और ये पृथ्वी बिना मंडल के नहीं ये सूरज है ये और सूरज चांद के साथ हैं और अनेक के पूरे हैं और मंडल पूरे ब्रह्मांड के साथ है अगर ये गया तो ये नहीं सौरमंडल तो ब्रह्मा के साथ है पूरा ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड की लंबाई क्या है आप माप नहीं सकते असीम जो पूरे ब्रह्मांड की लंबाई असीम है मात्रा असीम है उसका आकार असीम है तो इसको अलग से कैसे लेंगे आप इस हमारे रूप को अलग से कैसे लेंगे तो हम सबसे जुड़े हैं और जब ध्यान करिए अनुभव होने लगता है तब आदमी छटपट आता है अरे कोई पक्षी मर रही है बहुत वेदना होगी तब जानवर की सेवा पेड़ों की सेवा पहाड़ की सेवा नदी की सेवा समुद्र की सेवा ये भाव आता है तो सेवा का भाव तभी आएगा जब ये समता होगा समता मतलब हम लोग समान हैं। चाहे आप आकार को लीजिए चाहे द्रव्यमान को लीजिए चाहे ज्ञान को लीजिए आप कह देंगे नहीं हमारे में ज्ञान अधिक है इस एटम में ज्ञान नहीं है तो ठीक है एटम को हटाइए मशीन हटाइए इंटरनेट हटाइए बात कर लीजिए तो जो इंटरनेट का ज्ञान है वो तो एटम से ही तो आया है एटम के अंदर कुछ ज्ञान बताता है कि दूरी है ही नहीं समय है न दूरी है जब समय दूरी है ही नहीं इंटरनेट का ज्ञान से पता चला और ज्ञान एटम के अंदर से मिला तो हमसे कम ज्ञानी कहाँ है एटम हाँ ज्ञान का अलग अलग रूप है जैसे ऊर्जा के अनेक रूप है किसे सिद्ध हो गया ब्रह्मांड की प्रतीक रचना ज्ञान का रूप है जैसे कि बीज है और ये अंकुरित बीज है ये अब बीज में अंकुरण हो गया ये ये अंकुरित बीज है ये अथवा अंकुरण बढ़ गया इसमें पत्ते भी निकल आए जड़ भी निकल आई तो चाहे आप नंबर एक रचना को लीजिए या नंबर दो को लीजिए या तीन को लीजिए तीनों समान है इनकी अभिव्यक्ति अलग अलग है तो जब आप योग ध्यान करते हैं तो इस समता की अनुभूति होती है जब इस समता की अनुभूति होगी तब जिसे भारतीय संविधान कहते हैं ज्ञान का संविधान जो बाहर का संविधान है वो भारतीय संविधान नहीं है एक बना दिया गया नियम से तो जब हम रियल संविधान बनाएंगे जो ज्ञान का संविधान है उसमें एकता स्थापित होगी तो वर्तमान के झगड़े खत्म हो जाएंगे झगड़ा जो जातिवाद का है सांप्रदायिक झगड़ा है अपने पराय का है क्षेत्रीयता का है प्रादेशिक झगड़ा है हमारा प्रदेश अच्छा की आपका और राष्ट्रीय झगड़ा हमारा राष्ट्र महान की आपका ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी इसीलिए जो योग विज्ञान है ये ज्ञान की संस्कृति का विज्ञान है समता के संस्कृति का विज्ञान है अगर ये फैल गया तो याद रखिए फिर असंभव है कि कोई समस्या बचे न बाहर की गरीबी होगी न अंदर की गरीबी होगी तो दीपावली के पहले इस बात को स्वीकार कर लीजिए भले अनुभव करने में समय लगे जब पैर के उंगली से सिर तक के बढ़ा करके योग सिद्धांत के अनुसार अपने को स्वीकार करने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे विषमता से हम समता की ओर आगे बढ़ेंगे विविधता में एकता का दर्शन करेंगे इसलिए ये विज्ञान सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इससे जुड़ने पर बीमारियां भी गई चिंता भी गई झगड़े खत्म हुए पारिवारिक एकता भी आई सामाजिक एकता राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय एकता और सभी प्रकार के समस्याएं भी दूर हो गई और सबसे महत्वपूर्ण तो चीज तो मृत्यु नहीं दिखाई पड़ेगी जब मृत्यु नहीं दिखाई पड़ेगी तो हम हिंसा नहीं करेंगे हिंसा होती डर से हम सबको डर है मरने का जब मरने का डर है तो हिंसा होगी चाहे अनजाने में हो चाहे जान के हो जब पता चला मृत्यु होती ही नहीं है तो हिंसा अदृश्य हो जाएगी और यही भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है अहिंसा की स्थापना तो जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तो चीज़ है ये हमारा सबसे निवेदन है चाहे धूल का कण है जिसको हम बाहर फेंक देते हैं झाड़ करके या प्रकाश की किरण है चाहे दिए का प्रकाश हो चाहे बल्ब का प्रकाश हो इलेक्ट्रिकल हो कोई भी हो सब प्रकाश की महिमा एक समान है सभी का महत्व तो है इतने बड़े प्रकाश में पढ़ते हैं ठो तेल का दिया ले लीजिए सरसों का तेल का छोटा सा दिया लीजिए उसमें जो विजुअलिटी आएगी इसमें नहीं आएगी तो ये प्रकाश अच्छा है कि वो अच्छा दोनों अच्छे हैं बराबर दोनों का महत्व तो बराबर है याद रखिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें पूरे विश्व में ये क्षेत्र जिसे भारत क्षेत्र कहा गया वो माँ के रूप में प्रकाशित हो जैसे अनुसुईया माँ थी जैसे भगवान को माँ कहते हैं भगवान को पिता भी कहते हैं माँ भी कहते हैं गुरु का गुरु मित्र का मित्र तो हमारा ये राष्ट्र ये विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए इस तरह से तैयार हो जाए और नहीं तैयार हो पाता है तो दोष किसका मालूम है सबसे बड़ा दोष जो क्रिया योग जानते हैं उनका है सेकेंड है दूसरा है जो सीख रहे हैं उनका भी है ज़्यादा क्यों नहीं सीखे हो तो इसका मतलब कि हमारे साथ साथ आप सब दोषी होंगे तो अगर देश में सुख शांति नहीं आई तो जिसे हम फिर से आज से संकल्प लें कि क्रिया योग ध्यान कभी न छूटे सब छूट जाए क्रिया योग ध्यान न छूटे हमें एक एग्जाम्पल है अभी चूँकि मैंने नाम नहीं लिया है नाम लेकर के बताने का यहाँ किसी को बुखार हुआ कभी एक से दो हमें जल्दी बहुत सीरियस नहीं होता उस समय सीरियस हो गया था कैसे आया नहीं आना चाहिए जो भी उन्होंने प्रयत्न किया हमने प्रयत्न किया गायब हो गया एक दिन में और एक दिन भी उपवास नहीं करना पड़ा खाना ना खाएं बुखार ठीक होने के लिए कभी उनसे परमिशन ले लेंगे तो एक नाम लेकर के मैं एग्जाम्पल देंगे आपको जब एक व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं एक की डायबिटीज ठीक हो सकती है तो सभी की एक की थारे ठीक हो सकती है तो सभी की एक का ब्लड प्रेशर ठीक हुआ तो सभी का होगा एक चिंता मुक्त हुआ तो सभी हो जाएंगे हम चिंता मुक्त हैं लेकिन तब भी एक चिंता है हमें कैसे भारतीय संस्कृति का प्रसार हो लेकिन यह चिंता एक अलग तरीके का है इस चिंता में भय नहीं लगता है